नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है अवंती नागराज। मैं अपनी दादी के साथ सेक्स के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। मैं जानती हूँ ये बहुत अजीब स्टेटमेंट है, बट लेट मी एक्सप्लेन। आई ग्रू अप हाफ माई लाइफ बिटवीन द US एंड इंडिया, एंड स्टिल आई डिड नॉट हैव द सेक्स टॉक इन स्कूल। मुझे जब सेक्स के बारे में पता चला, आई वॉज अबाउट 8 years ओल्ड। मैं अपने दोस्त के घर गई थी, दिस इज व्हेन आई वॉज इन द US विजिटिंग इन अ समर, और उनकी बड़ी बहन थी। And she said, we told her ki we wanted to learn more about puberty because 8 saal mein we were so curious about periods and boobs and evil. Aur unhone kaha tha ki actually I learned something even cooler than puberty in class the other day. And she attempts to draw a diagram on this whiteboard and she explains the basics of sex to us. So humne kaha okay, to wo saath mein raat ko bistre mein lette hain? She's like, yeah. Chaddi ke saath na? She's like, no, chaddi ke bina. I'm like, oh, we were freaked out when we were 8 years old. Uske baad, jo bhi mujhe information mila, internet ke through mila ya doston ke through mila, which was not the best thing. And when I turned 12 years old, meri maa aayi thi ek din, aur unhone kaha, aapko pata hai? Kiske baare mein, iske baare mein pata hai? I was like, haan, pata hai. Theek hai. And she gave me a book which my doctor in the US had given me. Wahan par pediatrician wo unke paas kai resources hote hain, so books about growing up and sex and periods and ye in cheezon ke bare mein. And the book was talking about sex for 8 to 12 year olds, and she waited till I was 12 years old to give me the book. Book pad liya, mujhe biology samajh aayi iske bare mein, ye wo hua. Par phir bhi hamare ghar mein is cheez ke bare mein hum baat nahi karte the bilkul bhi. Aur phir flash forward 10 11 years later, when I actually had sex for the first time, मेरे मन में ये लगा था कि sex is a post-marriage thing. वो मुझे सुनाई दिया था and लोगों ने मतलब घर पे we didn't talk about it and so it was implied कि शादी के बाद ही sex कर सकते हैं. But मेरे लिए when I went to college, सब लोग मेरे पास में मेरे सब दोस्त sex ही कर रहे थे. मेरे लिए it wasn't an attractive thing कि मुझे करना ही है. I just realized कि people have different opinions and approaches towards sex, and it's something that it's important to be understood कि आपका क्या महसूस है. However you think of it, whether you think of it as something post-marriage, whether you think of it as something that you want to do जब आप प्यार में हो, that was my feeling, whether it's something that you want to do casually, there's nothing wrong with any of these situations. लेकिन important चीज़ क्या है कि आपको जानना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हो और आपका क्या मन का स्टेट है टुवर्ड इट. बिकॉज सेक्स इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स इमोशनल, इट्स मेंटल, इट्स फिजियोलॉजिकल, और उसके जो सराउंडिंग चीजें हैं जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते घर पे, कंसेंट, सेफ्टी, कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब मैं गई थी और कॉलेज में मुझे प्यार हुआ और मेरा एक रिलेशनशिप हुआ, एंड व्हेन आई वाज एब्सोल्युटली श्योर कि मैं प्यार में हूँ, आई फेल्ट कि आई वॉज रेडी. और मेरे पार्टनर के प्रीवियस बहुत पार्टनर्स थे, बट उन्होंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं किया था. इनफैक्ट व्हेन आई मेट हिम एंड वी डिसाइडेड टू स्टार्ट डेटिंग, मेरा पहला कंडीशन था कि नो सेक्स. मैं ये देखना चाहती थी कि वो उसी चीज़ के लिए मेरे साथ है या किसी और चीज़ के लिए मेरे साथ. एंड जब मैंने पहली बार किया था, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस बिकॉज इट वॉज विद समबडी आई लव्ड, और वी वर वेरी सेफ. क्योंकि जब आप US में कॉलेज में जाते हो, एक मॉड्यूल होता है जब आप शुरुआत करते हो कॉलेज में, जिनके बारे में वो थोड़ा सा सेक्स एड की जानकारी देते हैं. सो यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू नॉट जस्ट सेक्स बट ऑल्सो हरासमेंट एंड अब्यूज, एंड अगर आप कोई मुसीबत में हो तो आप किन से बात कर सकते हो, उनके पास हॉटलाइंस है, ये वो. इट्स चेंजिंग अ लॉट, पर मैं चाहती हूँ कि वो इंडिया में भी आए बिकॉज इट्स सुपर इम्पोर्टेंट टू हैव एक्सेस टू दोज रिसोर्सेज, ताकि आपके मन में भी शांति हो और आपके पास मतलब यू हैव सेफ्टी अराउंड यू. सो माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज ब्यूटिफुल. मतलब द एक्चुअल फर्स्ट थोड़ा ऑकवर्ड था क्योंकि हमारे पास लूब नहीं था. एंड अगर आप जानते हो कि लूब क्या है, लूब इज लुब्रिकेंट. इट्स समथिंग दैट यू ऑफ्टन यूज टू हेल्प मेक द एक्सपीरियंस मोर प्लेजरेबल. जब मैंने पहली बार किया था, हम सेफ थे, बट मैं जानती थी कि मुझे और भी सेफ्टी लाना था. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू डॉक्टर्स कि मेरे बर्थ कंट्रोल के क्या क्या ऑप्शंस हैं, एंड आई स्टार्टेड कंसिडरिंग डिफरेंट बर्थ कंट्रोल. पर मैंने फिर भी अपने माँ बाप को नहीं बताया था कि मैंने सेक्स किया था. एंड वन डे वो US विजिट कर रहे थे, एंड आई वेंट टू मीट देम, एंड माई मॉम पुल्स मी असाइड, और वो साइड पर लाकर मुझे कहती है, अवंती मुझे कल रात बुरा सपना हुआ. And I was like, okay, क्या सपना हुआ? मुझे सपना हुआ कि आपने सेक्स किया है. I was like, okay, आप मतलब वैसे आप कुछ भी बोल रहे हो. एंड शी लाइक, नहीं मुझे वो सपना आया इसलिए मैंने इस बैग में कॉन्डम डाला है, ये डाला है, ले लो. मैं जानती हूँ कि हमने इसके बारे में कभी बात नहीं किया है, बट
अगर आप कभी करते हो तो आप सेफली करो। तो मैं शर्मा गई क्योंकि मैंने कहा ये माँ बाप के साथ कैसे बात कर सकती हूँ, बट मुझे यकीन हुआ कि वो ही मेरा अपॉर्चुनिटी था उनके साथ बात करने के लिए। सो आई सैट हर डाउन एंड आई सेड टू हर, लिसन, मैं ऐसे नहीं बताना चाहती थी, बट आई वांट यू टू नो दैट आई हैव हैड सेक्स एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एंड वो जानती थी कि मैं रिलेशनशिप में थी, एट दैट पॉइंट इट हैड बीन 7-8 months एंड आई टोल्ड हर कि हम सेफ हैं, इन फैक्ट आई एम कंसिडरिंग अदर बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस एज वेल। तो सब उसके बारे में बात हुई, शी वॉज थोड़ा सा अपसेट बट शी रिस्पेक्टेड कि मैंने बताया कि मुझे मालूम है कि आपके लिए शादी के बाद थोड़ा इम्पोर्टेंट था बट मेरे लिए प्यार इम्पोर्टेंट था एंड दैट वॉज माई रीजनिंग एंड आई वॉज वेरी क्लियर ऑफ दैट कि मैं कैजुअली नहीं करना चाहती हूँ, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है एंड शी रिस्पेक्टेड द फैक्ट दैट आई न्यू व्हाट आई वांटेड। बट मैंने कहा रुको, ये मेरा और भी अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में बात करने के लिए। सो आई सैट हर डाउन एंड आई सेड देखो, आपने मेरे साथ सेक्स के बारे में बात नहीं किया, मेरा जो भी इन्फॉर्मेशन हुआ मुझे छोटे छोटे पीसेस से, इंटरनेट से, कॉलेज से, यहाँ से, वहाँ से, किताबों से मुझे लेना पड़ा। आई विश कि आपने बात की थी। एंड शी सेड आई एम सॉरी कि बात नहीं की है, बट यू नो आई एम ग्लैड कि यू नो। एंड आई वाज लाइक नो, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम इसके बारे में बात करें, बिकॉज इफ वी डोंट टॉक अबाउट सेक्स एज अ रिजल्ट, वी डोंट टॉक अबाउट कंसेंट, गुड टच, बैड टच, consequences and everything that comes with it. और फिर मैंने उनको बताया कि जब मैं करीब 12 साल की थी, मेरा एक ट्यूशन टीचर था जिन्होंने मुझे बुरी तरह से छुआ था। एंड मैं जानती हूँ अगर आप ये कहानी सुन रहे हो, आई एम सो सॉरी इफ़ यू also dealt with this, पर मैं जानती हूँ कई लोग देखेंगे और उन्होंने कहा ये मेरे साथ भी हुआ है या मेरे साथ और भी हुआ है। आई एम सो सॉरी इफ यू हैड टू डील विद अ सिचुएशन लाइक दैट, बिकॉज इट इज़ नॉट ओके फॉर एनीबडी टू टच यू विदाउट कंसेंट। उन्होंने कहा था आपने मुझे क्यों नहीं बताया था, अगर आपने मुझे उस समय बताया था तो मैं बहुत गुस्सा होती, ये वो। इनफैक्ट मैंने उनको बताया कि वो टीचर अच्छा नहीं है इसलिए वो निकल गए हमारे घर से, पर मैंने रीज़न नहीं बताया था। वो बहुत अपसेट हुई, वो रोने लगी और मैंने बोला था कि आई डिड नॉट टेल यू बिकॉज आई थॉट दैट आई वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई कुड सेंस कि दिस इज़ नॉट ओके, बट मुझे लगा मैं कुछ कर रही हूँ और अगर मैं आपको या पापा को बताऊँ तो आप मुझ पर चिल्लाओगे और मुझे बताओगे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। हम इतना इंटरनलाइज करते हैं ये शेम इसके बारे में क्योंकि हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा जो प्राइवेट जगह है उसको छुओ मत या किसी और को छूने ना दो, बट क्यों? अगर हम इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, हमारे बहुत स्कूल में रिप्रोडक्शन चैप्टर को बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं। बहुत लोगों का सेक्स एजुकेशन कहाँ से होता है? पॉर्न से होता है, और पॉर्न में वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक तरीके से दिखाते हैं। तो मैंने ये सब बातचीत की मेरी माँ से एंड she understood the importance. तो मैंने कहा देखो मेरे साथ ये बातचीत नहीं हुई घर पे, इट्स ओके, आई एम ओके, पर मेरा एक छोटा भाई है और मैं ये नहीं चाहती कि उसको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो। तो मेरा भाई तभी US में हाई स्कूल पढ़ रहा था, तो मेरी माँ ने कहा उसका स्कूल उसके बारे में बताएगा। आई एम लाइक दैट डज नॉट अब्सॉल्व यू ऑफ योर ड्यूटी एज अ पेरेंट टू स्टिल क्रिएट दैट माहौल एट होम दैट इट्स सेफ टू टॉक अबाउट एंड इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट। स्कूल में एक चीज़ है, बट अगर हमारे घर में हम ओपनली बात नहीं कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपने माँ बाप के साथ बोलो ए मैंने आज सेक्स किया, बट उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कॉन्डम बैड वर्ड नहीं है, कॉन्डम कॉन्डम है और उसके साथ सेफ्टी आती है। और अगर आप कंसेंट के बारे में नहीं बात करते हो तो कोई भी जेंडर के इंसान को वो जानकारी ही नहीं होगी कि इट्स इम्पोर्टेंट टू आस्क फॉर कंसेंट इन एवरीथिंग इन लाइफ बट पर्टिकुलरली इन एन इंटरेक्शन लाइक दिस। तो ये सब बातचीत हुई एंड शी अंडरस्टूड। फ्लैश फॉरवर्ड टू 2020 जब पैंडेमिक शुरू हुआ, मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया ऑनलाइन हार्वर्ड से क्योंकि हमें वापस आना पड़ा पैंडेमिक की वजह से, और तभी मैंने यूट्यूब चालू किया। और यूट्यूब पे मैं म्यूज़िक ऑफ कोर्स मेरा मेन है, बट मैंने तभी एजुकेशन के बारे में वीडियोज़ बनाना शुरू किया था। और क्योंकि हम सब घर पे थे, मैंने देखा कि एजुकेशन सिर्फ मैथ के बारे में नहीं है, एजुकेशन का मतलब है लाइफ स्किल्स। और जिन चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते, हमें स्कूल में जानकारी नहीं मिलती, उनको और किस तरीके से बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बात करना शुरू किया। और मेरा उसमें बैकग्राउंड भी है क्योंकि मैंने कॉलेज में साइकोलॉजी और ग्लोबल हेल्थ भी पढ़ी। और एक दिन मेरी आजी, मेरी दादी, वो हमारे घर के पास बहुत बहुत पास में रहती है, तो वो हर हफ्ते आती थी और हम एक फिल्म देखते थे साथ में एंड वो मराठी पिक्चर लगाती थी। बट द मराठी फिल्म्स दैट शी वाज चूजिंग वर अमेजिंग, दे वर अबाउट सच इनक्रेडिबल टॉपिक्स। तो मैंने सोचा कि अरे वाह, मेरी दादी बहुत कूल है। तो मैंने कहा एक दिन आजी सुनो, मैं आपको एक अलग सा वीडियो दिखाऊंगी आज, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं साइड में फोन भी डालूंगी रिकॉर्डिंग करने के लिए। हाँ चलेगा। तो मैंने उनको वॉक
और एनाकोंडा के म्यूजिक वीडियोस दिखाए और मुझे लगा कि वो कुछ हैरान सी होंगी, बट शी वॉज सो नॉर्मल अबाउट इट. क्यों? बिकॉज शी वॉज अ डॉक्टर एंड ऑल माई ग्रैंड पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, तो उनके लिए ये सेक्स नहीं है, वो सेक्स है, वो एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है. और उनके प्रैक्टिस में बहुत लोगों उन चीज़ों के बारे में पूछते थे. सो आई शोड इट टू हर एंड इट एंडेड अप बिकमिंग अ कन्वर्सेशन अबाउट ऑब्जेक्टिफिकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एंड इट वॉज रियली रियली पावरफुल. और जब मैंने इंटरनेट पर डाला, बहुत लोगों ने उसको देखा एंड सो मेनी पीपल रीच्ड आउट सेइंग द फैक्ट दैट यू कैन टॉक अबाउट दिस विद योर दादी इज अ ह्यूज ब्लेसिंग, एंड आई अग्रीड. तो मैंने फिर उनके साथ पीरियड्स के बारे में, सेक्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू किया. बिकॉज अगर मैं कुछ बोलूँ, शायद जो आप देख रहे हैं, आप शायद कॉलेज में हो, काम कर रहे हो, स्कूल में हो, जो भी है, बट अगर मैं अपनी दादी के साथ भी बात कर सकती हूँ इन चीज़ के बारे में, देन यू क्रॉस जनरेशंस. और फिर अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो ये वो. और वो ही आजी के साथ जब हम बात करते हैं, मैंने उनको एक उनका स्टेटमेंट है जो वायरल हुआ. मैंने उनको पूछा कि कई लोग सेक्स करते हैं बेबीज के लिए, बट बहुत लोग सेक्स करते हैं प्लेजर के लिए. उन्होंने कहा, नहीं, मोस्ट पीपल हैव सेक्स फॉर प्लेजर, द आउटकम इज अ बेबी. यस, मोस्टली इट इज फॉर प्लेजर, आउटकम इज बेबी. शी वॉज वन ऑफ द पीपल, शी एंड माई ग्रैंडपा, वो फैमिली प्लानिंग कमीशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया पे के बोर्ड पे थे, एंड दे वुड गो इन टू रूरल एरियाज और कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में बात करते थे, इन चीज़ों के बारे में बात करते थे. बिकॉज अगेन, नो मैटर व्हाट इट इज़ इन लाइफ, हमें टूल्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन हो, हम सेफ रह सकते हैं. और दिस इज़ जस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. और इसके बारे में शर्म नहीं आनी चाहिए. इफ़ वी डोंट टॉक अबाउट इट एट होम, देन वेयर कैन वी टॉक अबाउट इट? मेरे ख्याल से हमारे एजुकेशन सिस्टम में वी शुड हैव, इन एडिशन टू जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, वी शुड हैव सेक्स एजुकेशन. ऐसे नहीं कि एक दिन पर उसके बारे में कोई डॉक्टर को बुला दो और खत्म हो गया. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग दैट्स टॉक्ड अबाउट, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर एनाटॉमी, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज़ के बारे में. हम कभी बात करते हैं इस चीज़ के बारे में सुहागरात के पहले, क्यों? उसके पहले क्यों बात करते हैं? मैं समझ सकती हूँ अगर कई लोगों के लिए शादी इज इम्पॉर्टेंट, बट इट्स नॉट दैट, इवन दैट इट्स सो स्केरी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, व्हेयर इट शुड बी अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस, इट शुड बी समथिंग दैट कैन बी सेलिब्रेटेड. एंड सेक्सुअलिटी इज ऑल्सो अ स्पेक्ट्रम. हमारे सेक्स एजुकेशन में अगर उसके बारे में बात भी करते हैं, वी स्टिल टॉक अबाउट पीनस एंड वजाइना. वी नीड टू टॉक अबाउट द वेरियंग फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी, द वेरियंग फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन. कई लोग एसेक्सुअल भी होते हैं एंड इट्स अ ह्यूज स्पेक्ट्रम एंड डिफरेंट पीपल एसोसिएट विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट. So it's just important to have a proper anatomy education about it, a proper emotional education about it, and a proper social education about it, ताकि हम बढ़ सकते हैं as a society. Because देखो, हमारे देश में 1.2 billion लोग हैं. आप बता रहे हो कि लोग सेक्स नहीं कर रहे हैं. लोग हमेशा सेक्स कर रहे हैं, बट ठीक जानकारी के साथ नहीं कर रहे हैं. And it's super important कि हम इस चीज़ के बारे में educated हो, इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दादी के साथ, किसी भी इंसान के साथ, ताकि वी जस्ट नॉर्मलाइज इट. बिकॉज ऐसी महान बात नहीं है कि आपने सेक्स के बारे में बात किया है तो यू आर ब्रेव. नहीं, इट्स नॉर्मल, इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट फूड एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. सो आई एम ग्रेटफुल कि मेरा फर्स्ट सेक्स एक्सपीरियंस वॉज सो ब्यूटिफुल एंड उसकी वजह से आई ऑलवेज हैड अ पॉजिटिव लाइट टुवर्ड इट. बट फॉर सो मेनी पीपल देयर फर्स्ट सेक्स एक्सपीरियंस इज एक्सट्रीमली नेगेटिव बिकॉज देयर इज नॉट इनफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल देयर फर्स्ट सेक्स एक्सपीरियंस इज सम फॉर्म ऑफ असॉल्ट. And I hope that by talking about it, we change that narrative and more people are safe and are able to experience something that's beautiful.